है बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने प्रधानमंत्री पद के दावे पर तंज कसा और कहा कि राहुल गांधी, लालू यादव या फिर नीतीश कुमार कौन होगा प्रत्याशी, विपक्ष इसको पहले तय करे। इस पर जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और सांसद केसी त्यागी ने प्रहार करते हुए कहा कि सुशील मोदी के फिजूल की बातें करने की आदत है। केन्यू संवाददाता राघवेंद्र पांडे ने केसी त्यागी से खास बातचीत की। हमारे साथ हैं जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद केसी त्यागी जी। केसी जी, बिहार के नेता सुशील मोदी ने कहा है कि बिहार में लालू जी, नीतीश या राहुल गांधी तीन मुख्य प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सुशील मोदी जी को अनर्गल वक्तव्य देने की और ज़्यादा वक्तव्य देने की आदत है। दिन में वो तीन बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो उनके इस तरह के वक्तव्यों को हम गंभीरता से नहीं लेते। अच्छा केसी, देखा गया है कि हाल ही में मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ क्राइम से संबंधित वारदात बढ़े हैं, इस पर आपके क्या कहना है? दो तीन मामले प्रकाश में आए हैं, प्रशासन ने सख्ती दिखाई है, मुख्यमंत्री ने सभी गृह मंत्रालय के अधिकारी डीएम और एसएसपी को बुला करके सख्त निर्देश दिए हैं और हम भी चिंतित हैं, लेकिन हमने बिहार की जनता से वायदा किया था सुशासन का और हम अपने उसी स्टैंड पर कायम हैं। अभी पठानकोट में जो हमला हुआ है आतंकियों के द्वारा, वहाँ पे कहा गया है कि एक सेना का बड़ा अधिकारी अपने इस देश का ही उसमें सम्मिलित है, इस पर आपका क्या कहना है? एनआईए जांच कर रही है, दूध का दूध पानी का पानी होगा और ऐसे में अलग से टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन इससे देश के सामने गंभीर संकट पैदा हुआ कि पठानकोट के एयरबेस के अंदर एंट्री लेने में जो शत्रु मुल्क है उसके घुसपैठ ये कैसे कामयाब हो गए, ये गंभीर चिंता का विषय। शत्रुघ्न सिन्हा की सर एक बुक आने वाली है, उस किताब के बारे में आपका क्या कहना है? मजेदार रहेगी और भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र की कलई खोलेगी, कई बड़े बड़े नेताओं के जीवन के राज इसमें खुलेंगे और मैं उस पुस्तक का इंतजार कर रहा हूँ। तो ये हमारे साथ थे केसी त्यागी जी, इन्होंने कई सवालों के बहुत ही अच्छे जवाब दिए और शत्रुघ्न सिन्हा की जो बहुप्रतीक्षित किताब आने वाली है, उन्होंने कहा है कि इसमें बहुत सारे नेताओं के रहस्य खुलेंगे। कैमरामैन नदीम के साथ राघवेंद्र पांडे, के न्यूज़, दिल्ली।